जनपद जालौन में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में माधोगढ़ पुलिस व स्वाट टीम को सफलता मिली है, जिसमें गैंग रेस्टर किस्म के अपराधी अजमत मंसूरी पुत्र अली बाबा मंसूरी को शिहारी रोड प्रतीक्षालय के पास कस्बा माधोगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। वांछित अभियुक्त कई महीनों से फरार चल रहा था, जिसमें अभियुक्त ग्राम अटरिया थाना आटा भदेरिया का रहने वाला है, जहां अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को देखा जाए तो गैंग रेस्टर जैसे कई आपराधिक मुकदमे आपराधी के खिलाफ पंजीकृत हैं, जिसमें क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे ने खुलासा करते हुए कहा कि अपराधी अजमत मंसूरी पुत्र अली बाबा मंसूरी के स्वाट टीम व माधोगढ़ पुलिस द्वारा तमंचा 314 बोर व 6 जिंदा कारतूस के साथ सिहारी स्टैंड कस्बा माधोगढ़ से गिरफ्तार किया। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर गैंग रेस्टर जैसे कई आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। पुलिस कई महीने से अपराधी की तलाश में थी, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। आज वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, क्या नाम है इसका, बैग क्या है, बुरा नाम है। आज सुबह थाना माधोगढ़ और क्राइम ब्रांच जालौन की जनपद जालौन की टीम ने मुकदमा संख्या 111/19 में वांछित अभियुक्त अमजद मंसूरी सनफ अली बाबा मंसूरी, जो कि ग्राम अटरिया थाना आटा जिला जालौन का रहने वाला है, उसको सुबह 6:05 पर शहरी बस स्टैंड के पास से एक अदद तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार भी था। इसके ऊपर 11/19 मुकदमा संख्या धारा 392/411 और मुकदमा अपराध संख्या 111/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट तथा मुकदमा अपराध संख्या 3/2020 धारा 3/25 आम से पंजीकृत। जालौन से UP24 न्यूज़ के लिए मनोज सिवहरी की रिपोर्ट।